हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस। जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टूडेंट्स, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से हम लोग पाइथन के ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जावा के ट्यूटोरियल सीरीज को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स का पाइथन के ट्यूटोरियल सीरीज के लिए हमें रिक्वेस्ट आया, तो इसलिए अब से हम जावा और पाइथन दोनों के ही ट्यूटोरियल वीडियो को साथ साथ बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पाइथन के प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम में सेटअप करना सीखेंगे, ताकि नेक्स्ट डे से पाइथन के प्रोग्राम के ट्रेंड को इस प्लेटफॉर्म में बिना किसी रुकावट रन कर सकें। तो लेट्स टेक अ टूर ऑफ IT वर्ल्ड। पाइथन के प्लेटफॉर्म को अपने कंप्यूटर में सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल में जाएंगे और गूगल सर्च में हम लोग लिखेंगे पाइथन डाउनलोड। आप यहां पर देख सकते हैं सर्च होके हम लोग को ये रिजल्ट मिला है, जिसमें आप लिंक को देख सकते हैं www.python.org। इस लिंक में क्लिक करेंगे और लिंक में क्लिक करने के बाद यहां पर हम लोग को पाइथन प्रोग्राम को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डाउनलोड पाइथन 3.8.2 ये लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और पाइथन प्रोग्राम को डाउनलोड होने देंगे। आप अपने पाइथन को जहाँ भी डाउनलोड करके सेव रखना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं डेस्कटॉप में क्लिक कर रहा हूँ और फिर सेव करेंगे, जिससे कि ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड होता है, तब तक हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई जमशेदपुर के रहने वाले हैं और कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क करें। जमशेदपुर में हमारा दो ब्रांच है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच है परसोडी और सेकंड ब्रांच है आमबागन साक्षी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, ताकि हम आपको इमिडिएटली कहीं भी हेल्प कर सके अगर आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम में फंसते हो तो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपसे आने वाले वीडियो मिस ना हो जाए। तो हमारा डाउनलोड फिनिश होने वाला है। मैं यहाँ पर शो ऑल के बटन में क्लिक करूँगा और डाउनलोड के लिस्ट में आ जाऊँगा। जैसे डाउनलोड फिनिश होता है, आप यहाँ पर क्लिक करके भी सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप डेस्कटॉप में जाकर भी यहाँ पर डबल क्लिक करके सेटअप को ऑन कर सकते हैं। डेस्कटॉप इसलिए आया क्योंकि डाउनलोड होने से पहले मैंने अपना लोकेशन डेस्कटॉप सेट किया था। तो डबल क्लिक करके ऑन करते हैं सेटअप को। डाउनलोड और सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सेटअप स्टार्ट होने के बाद हम लोग को इंस्टॉल नाउ में क्लिक करना है। पाइथन प्रोग्रामिंग का डाउनलोड और सेटअप दोनों ही होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा जब तक ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। डाउनलोड डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट के स्पीड में, और आपका जो सेटअप होने का प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा आपके सिस्टम के स्पीड में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, जो स्पीड आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम स्पीड आपको अपने भी सिस्टम मिल जाए। हो सकता है कि आपके सिस्टम और ज़्यादा जल्दी हो जाए, या फिर थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग IDE अवेलेबल है इंटरनेट में, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में नॉर्मल IDE ही, जो कि पाइथन के प्लेटफॉर्म में बाय डिफॉल्ट मिलता है, इसी का यूज करेंगे। IDE मतलब होता है कि जहां पर आप अपने प्रोग्राम को बना सके, कंपाइल कर सके और रन कर सके। सेटअप हो जाने के बाद हम लोग यहां पर क्लोज कर देंगे। अब पाइथन का प्रोग्रामिंग को टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम सही से रन हो रहा है या नहीं। आज हम लोग ज़्यादा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, जस्ट टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो पाइथन के प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन में जाएंगे, इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे और हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम को सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए यहाँ पर आप पाइथन देख सकते हैं 3.8 दिख रहा है, और इसमें हम लोग को क्लिक करना है IDEALY। IDEALY में जाने के बाद हम लोग को फाइल में जाकर न्यू फाइल लेना है, और यहाँ पर हम लोग अपने पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग को सिर्फ सेटअप पर ध्यान देना है, हम लोग आज कोई प्रोग्राम नहीं बनाने वाले हैं, जस्ट टेस्ट करने के लिए छोटा सा कोड लिख रहे हैं। प्रिंट एक फंक्शन है जिसका काम होता है किसी मैसेज को या वैल्यू को
टर्मिनल विंडो में डिस्प्ले करना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम वो होगा हेलो वर्ल्ड। अब इसको रन करने के लिए फाइल में जाकर पहले इसको सेव कर लेते हैं और इसमें लिखते हैं P1 मतलब प्रोग्राम वन सेव। सेव करने के बाद हम लोग रन में जाएंगे और यहाँ पर रन मॉडल में क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पर आउटपुट मिल गया है, ये है हम लोग का हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब है कि हम लोग का पाइथन प्रोग्राम और जो प्लेटफॉर्म है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट अभी भी बाकी है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रोग्रामिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।